I'm Arshad Hussain Zada. I'm managing director of Tetra Tech. Nine is the operations of Pakistan and Afghanistan. We represent two brands here in Pakistan, the question is food, dairy beverage, pharma, chemical, water, and other industries. We are actually new in Pakistan. सर थोड़ा सा अगर आपके प्रोडक्ट के हवाले से बताइए, आपने यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिस्प्ले किए तो ये कौन कौन से सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है और ये इनका इस्तेमाल कहाँ पे, थोड़े से सवाल से ब्रीफ कीजिएगा। हम तीन डिफरेंट ब्रांड्स रिप्रेजेंट करते हैं। दिस एग्जीबिशन स्पेसिफिकली जो है मतलब इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड है, वो कंप्लीट की सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं हम। मतलब वो पोल्ट्री इंडस्ट्री हो गई, आपकी फूड डेली बेवरेज से रिलेटेड जितना भी रेफ्रिजरेशन का काम है हम कंप्लीट कर सकते हैं। कंपनी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिनशा, ये 42 डिफरेंट कंपनीज का कॉन्ग्लोमरेट है, चाइना और इंडिया कोलेबोरेशन है पैनासोनिक के साथ। इस तरह BAC है, मतलब ये अमेरिकन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और दे आर बेस्ड इन इटालिया चाइना। तो जो मशीन हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं वो तो पैनासोनिक कंप्रेसर है, लेकिन हमारे साथ स्टॉक में इनकी मशीनरी बड़ी होती है, हमारा हेड ऑफिस है लाहौर में। अच्छा सर, उसमें आप मशीनरी इम्पोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इम्पोर्ट कर रहे होंगे आप पाकिस्तान में, यहाँ पर इम्पोर्ट के बारे में आप बता रहे हैं कि यहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा है, उसमें RTE रेगुलेटरी जो चाहिए वो उसके अलावा है, तो उस हवाले से कहना चाहेंगे कि आपकी डिमांड है, आप काफ़ी बताते हैं आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी के हवाले से। लाहौर के पास के नंबर भी है, वहाँ पर भी हमने एक टाइप है और ये इंडस्ट्री है। ये ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा है कि मतलब जिसकी वजह से हम अक्सर यूज कर जाते हैं, मतलब स्पीड भी ज़्यादा है। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि मतलब वही रेगुलेटरी ड्यूटी जो है इसको कम करें और मतलब बाकी जो इनकम टैक्स वाला स्ट्रक्चर है इसको मतलब स्पीड लाइन करें कि बिजनेस कम्युनिटी को मतलब इसलिए सपोर्ट मिले। और इसके अलावा मतलब ये जो फ्लक्चुएशन होती है करेंसी में उससे हमें मतलब बहुत सीरियस किस्म के लॉसेस हो जाते हैं। तो मतलब बिल्डिंग स्टेबल गवर्नमेंट और मतलब स्टेबल पॉलिसीज। अभी जो डॉलर पे और यूरो में जो वेरिएशन आई है आप देख रहे हैं, तो उससे हमें जो लोगों से बात करें कहते हैं 20-30% तक हमें जो है इसमें फ़र्क पड़ गया और हम अपने कस्टमर को कोटेशन पहले देते हैं, डॉलर की वेरिएशन होती है तो उसमें भी काफ़ी लॉस हो जाता है। सर हमारे साथ प्रैक्टिकली हो चुका है, मतलब हम ऑर्डर विन कर चुके होते और ऑल ऑफ अ सडन आप मतलब समझे कि 30% इंक्रीज अगर डॉलर में आ जाते तो हमारी परचेजिंग डॉलर में है और अगर हमें पेमेंट फीस में मिलती है तो उससे काफ़ी लॉसेस हमें हुए हैं। तो अब ये जो है वो तमाम कोटेशन की दे देने के हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, ड्यूटी को गवर्नमेंट कुछ कम करें, बाजू कहना है कि रेगुलेटरी ड्यूटी गवर्नमेंट खत्म करें, सिर्फ इम्पोर्ट ड्यूटी रखें तो या अगर ड्यूटी में कमी होनी चाहिए, बात ये सर कि जहाँ पे जिसमें हम काम कर रहे हैं तो हमारी ऐसी लोगों के साथ की कॉम्पिटिशन है कि वो अफगानिस्तान से या मतलब डिफरेंट चैनल मतलब प्रोडक्ट लेके घूम जाते हैं। हम सीधे चैनल वाले लोग जो हैं वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है कि मतलब उनका प्राइस हम मैच नहीं कर पाते। तो मतलब बिजनेस कम्युनिटी को मतलब रिलेट करने के लिए स्मगलिंग वगैरह यही चीज़ें होनी चाहिए, अंडर इन्वॉइसिंग भी होती है। मतलब अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डिफाइन करते और मतलब
फिजिबल करते हैं जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए वो फिजिबल है, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो इसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट को डिस्करेज करना चाहती है कि पाकिस्तान में मैनुफैक्चरिंग हो, तो जबकि आप देखेंगे लोगों का ज़्यादातर ट्रेड जो है वो ट्रेडिंग की तरफ है, मैनुफैक्चरिंग की तरफ है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान में वो एटमोसफियर है वो फैसिलिटी है? मैं जो देख रहा हूँ मतलब आने वाले टाइम में जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लेजिस्लेशन पास किए कि 2019 के बाद अनपास्चराइज मिल्क सेल होना बंद हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि मतलब ऑटोमेशन की तरफ लोग जाएंगे और मतलब जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान आ रहे हैं सी पैक की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से, तुर्की की तरफ से, वो इसलिए वेरी गुड फ्यूचर है। ये टाइम है थोड़ा सा सख्त है लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड टाइम दैट वी आर स्टार्टिंग बिजनेस इन पाकिस्तान। जैसे आपने अभी बताया कि आपके जॉइंट वेंचर है फिर यूएस और वेंचर चाइना के साथ, लेकिन चाइना के हवाले से पाकिस्तान में देखिए जरा मिसकॉन्सेप्ट है लोगों का कि चाइना के प्रोडक्ट के बारे में मशहूर है कि चले तो चार तक उन्हें काम करें, तो इस हवाले से ये जो मतलब अभी मैं तो उस कंपनी के प्रेजिडेंट से यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान में मतलब ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है जो एक हद तक ठीक भी है, लेकिन जब आप चाइना जाते हो और मतलब वहाँ पर आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है, वो जो प्रोडक्ट पाकिस्तान आ रहे हैं मतलब पाकिस्तानी उधर जाके मतलब इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट वो मांगते हैं तो उनको बना के देते हैं सी ग्रेड प्रोडक्ट्स तौर पर, मतलब वहाँ कैटेगरी वाइज। अब उसमें ये ब्रांड जो है मतलब यूरोपियन अमेरिकन स्टैंडर्ड की चीज़ें बनाता है, अब हमें मतलब ये प्रॉब्लम मार्केट में आ रही है जिस तरह आपने बात की एग्जैक्टली कि मतलब जब हम कहते हैं चाइना एकदम उनके दिमाग में ये होता है कि प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी, तो उसको फिर मतलब कन्विंस करने के लिए हमें पूरा लेक्चर देना पड़ता है कि मतलब दिस इज़ पैनासोनिक क्वालिटी कंट्रोल इस लेवल का है, तो फिर जाके मतलब ये एक रेजिस्टेंस है हमें। सही। तो लेकिन मतलब आप देखें चाइना के प्रोडक्ट यूरोप में भी चल रही है, मिडिल ईस्ट में भी चल रही है, लेकिन वहाँ की क्वालिटी कुछ और है, यूरोप की क्वालिटी कुछ और है, पाकिस्तान की क्वालिटी जैसे यहाँ पाकिस्तानी जाते हैं कहते हैं 5 रुपये नहीं बना रहा हूँ, 5 रुपये नहीं बना के देते हैं, स्टैंडर्ड की यूरोप वाले 20 रुपये प्राइस में बनाते हैं, परसेंट का फर्क तो आता है। इंटरनेशनली जो हम मतलब करते हैं आई एक्सपेक्ट है मतलब लास्ट ईयर में मिला हो इस साल कराची में आई एक्सपेक्ट फूड रिलेटेड हमारी कंपनी जो है बेसिकली फूड डेयरी प्रिपेरेज कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ये जो कंपनी है जिनका ये एक प्रोडक्ट है हमारा जो पाकिस्तान में हमारे जो है सर की पॉलिसी ये है कि अगर एक चीज़ की 10 रुपये है अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं कभी भी मतलब उसको 12 रुपये नहीं खोलता, क्योंकि जो ऑनर है हम ऑनर को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, अगर हमारे 2 रुपये में से कोई मतलब कुछ है नहीं चाहे हम उसको मतलब देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके ऊपर हम मतलब किसी मौका की पॉलिसी ये नहीं करते। उससे अगर मतलब करने के लिए मतलब किसी भी चीज़ वाइज प्राइस है उससे प्राइस वाइज ठीक है, लेकिन जो अब दूसरी बात यह है कि सैटरडे संडे हमें चाहिए था हमारे सबसे रिलेटेड सारे इंडस्ट्रीज के हैं और मतलब काफ़ी बिजी होते हैं तो रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतर हो सकता है अगर वीकेंड हो जाता है। थोड़ा सा आप क्या कंपनी के हवाले से बताइए, आपकी कंपनी जब से स्टेबलिश है कैसे फील्ड में आए और आपकी ये कोलैबोरेशन जो है
لایا جائے اس کو سٹریم لائن کر کے اسٹرکچر بنائے اور بزنس بینکنگ بنائے.